हेलो, वेलकम टू यूट्यूब चैनल द इलेक्ट्रिकल पॉइंट। आज बात करते हैं अल्टरनेटर के वर्किंग प्रिंसिपल के बारे में। अल्टरनेटर भी फैराडे के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के सिद्धांत पर ही काम करता है। इसमें जो है घूमने वाला पार्ट जो है फील्ड वाइंडिंग होती है, और जो स्थिर भाग है स्टेटिक भाग है वो आर्मेचर होता है जो स्टेटर में लगा रहता है। फील्ड वाइंडिंग को किसी बाहरी सर्किट से डीसी देते हैं या फिर इसके अंदर डीसी जनरेटर लगाते हैं इसको फील्ड वाइंडिंग को एक्साइट करने के लिए, इसमें मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट करने के लिए। और इसके अंदर जो करंट है, जो करंट की डायरेक्शन रहती है वो फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल के हिसाब से होती है। अंगूठा जो है घूमने की दिशा बताता है चालक कंडक्टर की, और पहली उंगली मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताती है, और करंट जो है दूसरी उंगली करंट की डायरेक्शन बताती है। अब क्या करते हैं, किसी मैग्नेटिक फील्ड के बीच में हम किसी कंडक्टर को घुमाते हैं तो EMF जनरेट होता है। अब सबसे पहले मान लिया हमने कि जो मैग्नेटिक फ्लक्स की डायरेक्शन है वो नॉर्थ से साउथ की तरफ है, और एक लूप में हमने कंडक्टर को लिया। जब ये लूप हॉरिजॉन्टल रहता है तो मैग्नेटिक फ्लक्स कम से कम कटता है, तो लगभग करंट जो है जीरो ही होती है। करंट जो जनरेट होती है वो लगभग जीरो होती है। जब ये वर्टिकल कंडीशन में आता है तो नॉर्थ से साउथ की तरफ मैग्नेटिक फ्लक्स जा रहा है, तो मैग्नेटिक फ्लक्स ज़्यादा ही ज़्यादा कटता है, मैक्सिमम कटता है 90 डिग्री डायरेक्शन में। ये वर्टिकल डायरेक्शन में मैक्सिमम करता है तो मैक्सिमम करंट जनरेट होती है। तो इस तरह एक बार करंट जीरो होती है जब ये बार बार घूमता है, एक बार करंट जीरो होती है और एक बार करंट मैक्सिमम होती है। तो जीरो से मैक्सिमम की जो साइकिल बनती है वो एक अल्टरनेटिंग साइकिल रहती है, जिससे AC जनरेट करता है। AC जनरेट करता है वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल की ये साइकिल चलती रहती है, और करंट भी जीरो से मैक्सिमम तक होती रहती है। तो ये प्रिंसिपल है, इस तरह ये AC जनरेट करता है हमारा जनरेटर। इसको AC जनरेटर भी कहते हैं, ये AC जनरेट करता है। इसको किसी प्राइम मूवर, इसका जो फील्ड वाइंडिंग वाला भाग है वो किसी प्राइम मूवर या टर्बाइन द्वारा उसको घुमाते हैं, आर्मेचर के अंदर घुमाते हैं। आर्मेचर जो है स्टेटर के अंदर है, स्टेटर में स्लॉट बने रहते हैं जिसमें आर्मेचर वाइंडिंग होती है, और रोटर में स्लॉट रहते हैं जिसमें फील्ड वाइंडिंग होती है। तो इस तरह ये हमारा जनरेटर काम करता है। इस वीडियो संबंधित आपके मन में कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। थैंक यू।